Hello everyone, I'm Ruchika from English Academy and I welcome all of you to this exciting session. आज मैं बहुत ज्यादा excited हूँ क्योंकि मैं आप सबके लिए एक brand new English speaking course लेकर आई हूँ. Let's speak English. हम हर वीडियो में 100 daily use के English sentences discuss करेंगे. जैसे जैसे आप ये sessions attend करेंगे, आप realize करेंगे कि English बोलना कितना आसान है. आज मैं आपके लिए एक स्पेशल ट्रिक लेकर आई हूँ जहां पर मैं आपके साथ ऐसे सेंटेंसेस शेयर करूंगी जो सिर्फ दो वर्ड से बनते हैं और किस तरह से आप ये सेंटेंसेस बनाएंगे उसके लिए एक बहुत ही इजी ट्रिक है. आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर पहला सेंटेंस है इधर आओ. ट्रिक ये है कि जब हम इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे हम इनकी पोजिशंस को, वर्ड्स की पोजिशंस को चेंज कर देंगे. आओ मीन्स कम एंड इधर मीन्स हेयर. सो इधर आओ बिकम्स कम हेयर. देखा कितना सिंपल है, हमने इनकी पोजिशंस को आपस में चेंज कर दिया. जो वर्ड पहले आया था इंग्लिश में वो बाद में चला गया और जो वर्ड बाद में आया था इंग्लिश में वो पहले आ गया. इधर आओ कम हेयर. अनदर सेंटेंस ऑन योर स्क्रीन उधर जाओ. उधर इज देयर एंड जाओ इज गो. सो उधर जाओ बिकम्स गो देयर. नेक्स्ट इज इधर बैठो. बैठो मीन्स सिट. इधर इज हियर सो इट बिकम्स सिट हियर. तो इस ट्रिक की मदद से आप कितने भी सेंटेंसेस बना सकते हैं. दो वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाना कितना आसान है. अब आप धीरे धीरे इन्हें अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज कीजिए, बातचीत में इन वाक्यों को यूज कीजिए और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा. चुप रहो कीप क्वाइट. चुप को कहते हैं क्वाइट. सो चुप रहो मीन्स कीप क्वाइट. इसे करो. इसे इज दिस. करो मीन्स डू. इसे करो डू दिस. नेक्स्ट इज सच बोलो. सच इज ट्रुथ एंड बोलो मीन्स स्पीक. सच बोलो स्पीक ट्रुथ. अनदर वन इज बोलो मत. बोलो इज अगेन स्पीक एंड मत इज डोंट. बोलो मत डोंट स्पीक. नेक्स्ट वी हैव रो मत. रो इज क्राई एंड मत मीन्स डोंट. सो डोंट क्राई. अनदर सेंटेंस इज सब्र रखो. सब्र को कहते हैं पेशेंस एंड रखो मीन्स कीप. कीप पेशेंस. नेक्स्ट सेंटेंस बहादुर बनो. अब बहादुर को इंग्लिश में कहते हैं ब्रेव. बनो मीन्स बी ब्रेव. नेक्स्ट इज धीरे चलो. धीरे मीन्स स्लो एंड चलो मीन्स गो. सो धीरे चलो बिकम्स गो स्लो. नाउ अनदर वन इज तेज चलो. तेज इज फास्ट. चलो अभी हमने डिस्कस किया गो. सो तेज चलो बिकम्स गो फास्ट. अनदर वन धीरे बोलो. धीरे इज स्लोली एंड बोलो इज स्पीक. सो स्पीक स्लोली. जब आप इन सेंटेंसेस को अपनी कॉन्वर्सेशन में, बातचीत में यूज करेंगे तभी आपको इन पर कॉन्फिडेंस आएगा. मत आओ. मत मीन्स डोंट एंड आओ मीन्स कम. सो मत आओ बिकम्स डोंट कम. खुश रहो. खुश इज हैप्पी. रहो मीन्स बी हैप्पी. खुश रहो बी हैप्पी एंड ऑलवेज स्माइल. शांत रहो. शांत को कहते हैं काम. सो शांत रहो बिकम्स बी काम. हमारा अगला सेंटेंस है भरोसा रखो. भरोसा इज फेथ एंड रखो मीन्स कीप फेथ. भरोसा रखो. बाहर जाओ. बाहर इज आउट. जाओ मीन्स गो. सो बाहर जाओ बिकम्स गो आउट. अंदर आओ. अंदर इज इनसाइड एंड आओ मीन्स कम. अंदर आओ बिकम्स कम इनसाइड. नेक्स्ट सेंटेंस जल्दी करो मीन्स हरी अप. ये एक फ्रेज है, हम इंग्लिश में ऐसे ही बोलते हैं. जल्दी करो मीन्स हरी अप. सो जाओ. गो टू स्लीप. सोना मीन्स स्लीप एंड सो जाओ मीन्स गो टू स्लीप. आराम करो. आराम इज रेस्ट. करो को यहां पर हम टेक की तरह रिप्लेस करेंगे. आराम करो टेक रेस्ट. नेक्स्ट इज व्यायाम करो. व्यायाम इज एक्सरसाइज. डू एक्सरसाइज. बहस मत करो. अब बहस करने को क्या कहते हैं इंग्लिश में आर्ग्यू. मत करो मीन्स डोंट.
सो बहस मत करो, डोंट आर्ग्यू, झूठ मत बोलो, डोंट टेल लाइज, ठीक है। झूठ मत बोलो की जगह हम क्या कहेंगे, डोंट टेल लाइज। झूठ बोलना मीन्स टेलिंग लाइज, तो झूठ की जगह हमने बोला टेल लाइज एंड मत की जगह डोंट। जल्दी आओ, जल्दी इज क्विकली, आओ मीन्स कम, कम क्विकली। बचपना बंद करो, अब बचपना करना मीन्स किडिंग, बंद मीन्स स्टॉप, सो बचपना बंद करो, स्टॉप किडिंग। आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज टिकट दीजिए, टिकट इज टिकट इन इंग्लिश ऑल्सो एंड दीजिए मीन्स गिव, गिव टिकट, टिकट दीजिए मीन्स गिव टिकट। हिलना मत, हिलना मीन्स टू मूव, मत की जगह आएगा डोंट, सो हिलना मत, डोंट मूव। नेक्स्ट इज बोलना मत, अगेन बोलना मीन्स स्पीक एंड मत इज डोंट, सो इट बिकम्स डोंट स्पीक, सो सिंपल। पीछे मुड़ो, पीछे मीन्स अराउंड, मुड़ो मीन्स घूमना, सो टर्न अराउंड, पीछे मुड़ो। नेक्स्ट इज छुपाओ मत, छुपाना मीन्स हाइड, मत मीन्स डोंट, सो छुपाओ मत बिकम्स डोंट हाइड। लेट अस सी द नेक्स्ट वन, अभी नहीं, नहीं मीन्स नॉट एंड अभी मीन्स येट, मीन्स अभी तक कुछ नहीं हुआ, नॉट येट। जैसे कि अगर कोई पूछे हैव यू ईटन द ब्रेकफास्ट, तो आपने अगर अभी ब्रेकफास्ट नहीं खाया आप कह सकते हैं नॉट येट। नेक्स्ट इज घूरो मत, मत की जगह डोंट एंड घूरो मीन्स स्टेयर, घूरो को इंग्लिश में स्टेयर कहते हैं, सो घूरो मत, डोंट स्टेयर। नेक्स्ट इज झगड़ो मत, सिमिलरली मत की जगह डोंट आ गया एंड झगड़ने को कहते हैं फाइट, सो झगड़ो मत बिकम्स डोंट फाइट, सो सिंपल। कोई बात नहीं, इट मीन्स नो प्रॉब्लम, सपोजिटली कोई कहे कि क्या अब तक पानी नहीं आया, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज अभी तुरंत, राइट नाउ, अगर आपको कोई काम अभी के अभी करवाना है तो आप क्या कहेंगे, डू इट राइट नाउ। नेक्स्ट इज इधर देखो, इधर इज हियर एंड देखो मीन्स लुक, सो इधर देखो, लुक हियर। और नेक्स्ट सेंटेंस इज दोबारा सोचो, दोबारा इज ट्वाइस एंड सोचो मीन्स थिंक, थिंक ट्वाइस। द नेक्स्ट वन इज छोड़ दो, छोड़ दो मीन्स लीव इट। अगर आपको किसी भी टॉपिक को डिस्कस नहीं करना, आप कहते हैं छोड़ दो, तो आप क्या कह सकते हैं, जस्ट लीव इट, मीन्स बात को यहीं पर खत्म कर दो। मिलते हैं, लेट्स मीट, अगर आप अपने फ्रेंड को कहते हैं कि चलो कभी मिलते हैं, सो व्हाट यू कैन से, लेट्स मीट। नेक्स्ट इज ये सही है, दैट्स राइट। नेक्स्ट इज जाने भी दो, लेट इट बी, अगर आप किसी टॉपिक को फर्दर डिस्कस नहीं करना चाहते एंड यू जस्ट वॉन्ट टू लीव इट, आप कहते हो जाने भी दो, आप कह सकते हो लेट इट बी, मीन्स बात को ऐसे ही रहने दो। बढ़िया है, लुक्स गुड, बढ़िया है की जगह हम साउंड्स गुड भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी की बात आपको सुनने में अच्छी लग रही है, किसी का प्रपोजल अच्छा लग रहा है, तो आप साउंड्स गुड बोल सकते हैं। अगर कोई चीज दिखने में अच्छी लग रही है तो आप लुक्स गुड बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज मेरे पीछे आओ, पीछे आना इज फॉलो एंड मेरे मीन्स मी, सो इट बिकम्स फॉलो मी। इसे चखो, टेस्ट दिस, चखना मीन्स टेस्ट करना एंड इसे इज दिस, सो इसे चखो बिकम्स टेस्ट दिस। मेरा यकीन करो, यकीन करना को हम इंग्लिश में कहते हैं बिलीव एंड मेरा इज मी, सो इट बिकम्स बिलीव मी। मेरा यकीन करो इंग्लिश बहुत आसान है, बिलीव मी इंग्लिश इज वेरी इजी। नेक्स्ट सेंटेंस बिल्कुल नहीं, एब्सोल्यूटली नॉट। अनदर वन इज भूल जाओ, फॉरगेट इट, मैं इस चीज को आगे डिस्कस नहीं करना चाहती, भूल जाओ, फॉरगेट इट, आई डोंट वॉन्ट टू डिस्कस इट फर्दर। आपके बाद, आफ्टर यू, यू इज आपके एंड बाद इज आफ्टर, सो आपके बाद बिकम्स आफ्टर यू। कोई बात नहीं, दैट इज नो प्रॉब्लम, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं, बात को यहीं बंद कर दो, नो प्रॉब्लम। कोई बात नहीं,
नेवर माइंड। अब हम एक और फ्रेज यूज कर सकते हैं, नेवर माइंड मीन्स छोड़ दो, नेवर माइंड, लेट्स लीव द टॉपिक। नेक्स्ट इज सावधान रहें, बी केयरफुल। सावधान मीन्स केयरफुल, उठ जाओ, गेट अप। नेक्स्ट इज होता है, इट हैपन्स। अगर आप कहना चाहते हैं कि कोई बात नहीं ऐसा होता रहता है, यू कैन से इट हैपन्स। रोना बंद करो, स्टॉप क्राइंग। बंद करना इज स्टॉप एंड रोना मीन्स क्राइंग, सो रोना बंद करो, स्टॉप क्राइंग। चिल्लाओ मत, जल्दी से सोचिए चिल्लाने को क्या कहते हैं, स्क्रीम। एंड मत का मैंने आपको पहले भी बताया है, डोंट, डोंट स्क्रीम, चिल्लाओ मत। वादा करो, प्रॉमिस मी। नेक्स्ट इज सीधे बैठो, सिट स्ट्रेट। सीधे मीन्स स्ट्रेट एंड बैठो मीन्स सिट, सिट स्ट्रेट। बहुत बढ़िया, वेल डन। बहुत बढ़िया की जगह हम वेल डन या फिर गुड वर्क भी कह सकते हैं। तो अगर आप किसी को शाबाशी देना चाहते हैं इंग्लिश में, आप इस तरह से बोल सकते हैं। वापस लौटो, लौटो मीन्स गो एंड वापस मीन्स बैक, सो गो बैक। वापस लौटो, गो बैक। ऊंचा बोलो, ऊंचा इज लाउडर एंड बोलो मीन्स स्पीक, स्पीक लाउडर, ऊंचा बोलो। जरा ठहरिए, प्लीज वेट। अनेक सेंटेंस, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। कोशिश करते रहो, कीप ट्राइंग। कोशिश करना मीन्स ट्राइंग एंड करते मीन्स कीप, करते रहो, कीप ट्राइंग। छुओ मत, डोंट टच। छूना मीन्स टच एंड मत इज डोंट, सो डोंट टच। अनेक सेंटेंस, ध्यान से, बी केयरफुल। ध्यान मीन्स केयरफुल, सो बी केयरफुल। ठीक है, इट्स ओके। इजाजत दो, गिव परमिशन। इजाजत इज परमिशन, सो इजाजत दो, गिव परमिशन। ठीक ठीक है, इट इज सो सो। ये एक स्लैंग टाइप का सेंटेंस है, मीन्स हम अपनी फ्रेंड्स के साथ इस तरह से बात करते हैं, इट्स सो सो। चाय पी लो, चाय इज टी एंड पीना मीन्स ड्रिंक, सो ड्रिंक टी। नेक्स्ट इज झुको मत, डोंट बेंड। झुकना मीन्स टू बेंड, सो वी विल से डोंट बेंड। पर्दा खींच दो, ड्रॉ द कर्टन। पर्दा इज कर्टन इन इंग्लिश, सो ड्रॉ द कर्टन, हम इस तरह से बोलते हैं। जूते पहनो, वेयर शूज। नेक्स्ट इज बड़ों का आदर करो। आदर करना मीन्स टू रिस्पेक्ट, बड़े मीन्स एल्डर्स, सो रिस्पेक्ट एल्डर्स। पानी उबालो, पानी इज वॉटर एंड उबालो मीन्स टू बॉइल, सो बॉइल वॉटर, पानी उबालो, बॉइल वॉटर। चावल भिगो, भिगोना इज सोक, चावल इज राइस, सो चावल भिगो, सोक राइस। नेक्स्ट इज सब्जी काटो, सब्जी इज वेजिटेबल्स, काटो मीन्स टू चॉप, चॉप वेजिटेबल्स। सब्जी काटो की जगह अब आप किचन में जब काम कर रहे हैं तो आप अपनी मेड को क्या कहेंगे, चॉप द वेजिटेबल्स। खीरा छीलो, छीलना मीन्स टू पील एंड खीरा इज क्यूकम्बर, पील द क्यूकम्बर। अगर आपको वेजिटेबल्स के इंग्लिश और हिंदी नाम जानने हैं तो हमारे पास एक और वीडियो है जिसमें हमने फ्रूट्स के इंग्लिश और हिंदी नाम डिस्कस किए हैं, और एक वीडियो है जिसमें हमने वेजिटेबल्स के इंग्लिश और हिंदी नाम डिस्कस किए हैं, तो आप वो वीडियोस भी देखकर अपनी वोकैबुलरी को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, रोटी सेको, रोटी इज चपाती, सेकना मीन्स टू बेक, बेक द चपाती। मसाला पीसो, मसाला इज स्पाइसेस, पीसना मीन्स क्रश, क्रश द स्पाइसेस। नेक्स्ट सेंटेंस, चाय छानो, छानना जो एक्टिविटी है जो हम छानते हैं चाय को, उसे इंग्लिश में कहते हैं सीव। तो हम क्या कहेंगे, चाय को क्या कहते हैं, टी, तो हम क्या कहेंगे, सीव द टी। नेक्स्ट इज तड़का मिलाओ, तड़का को इंग्लिश में कहते हैं ग्रेवी एंड मिलाना मीन्स टू ब्लेंड, ब्लेंड द ग्रेवी। नेक्स्ट इज खाना परोसो, खाना इज फूड, परोसना मीन्स सर्व करना, सर्व द फूड। नेक्स्ट सेंटेंस, पैसे कमाओ, कमाना मीन्स अर्न, पैसे इज मनी, अर्न मनी, पैसे कमाओ, अर्न मनी।
मेहनत करो, मेहनत इज हार्ड, यहाँ पर करना मींस वर्क, वर्क हार्ड, ये एक तरीका है इंग्लिश में। जब हम कहना चाहते हैं कि मेहनत करो, हम कहेंगे वर्क हार्ड। नेक्स्ट इज कचरा निकालो, कचरा इज गार्बेज, निकालना मींस रिमूव द गार्बेज, रिमूव द गार्बेज। एक और सेंटेंस, नहा लो, नहाना इज बाथ, तो यहां पर हम कहेंगे टेक बाथ। एक और सेंटेंस, टिकट दिखाओ, टिकट इज टिकट इन इंग्लिश, दिखाना मींस शो, शो द टिकट। अगर आप टिकट चेकर हैं, टिकट दिखाओ की जगह आप क्या कह सकते हैं, शो द टिकट। नेक्स्ट सेंटेंस, सामान उठाओ, सामान इज कॉल्ड लगेज एंड उठाना मींस पिक द लगेज। अ नेक्स्ट सेंटेंस, सामान रखो, अगेन रखो मींस कीप, सामान इज लगेज सो इट बिकम्स कीप द लगेज। नेक्स्ट इज शो द पास, पास दिखाओ, पास पास ही रहेगा, दिखाना मींस शो, शो द पास। नेक्स्ट वी हैव सिक्का उछालो, सिक्का मींस कॉइन, उछालना मींस फ्लिप, फ्लिप द कॉइन। मुद्दे पर आओ, मुद्दा हियर मींस द पॉइंट, मींस जो टॉपिक है, आना मींस कम, कम टू द पॉइंट, मुद्दे पर आओ, कम टू द पॉइंट। सो अगर कोई इधर उधर की बात कर रहा है, आप उसे कहते हैं कि इधर उधर की बात मत करो, मुद्दे पर आओ, यू कैन से कम टू द पॉइंट। कमरा साफ करो, कमरा इज रूम, साफ करना मींस क्लीन करना, क्लीन द रूम, वेरी इजी। फर्श पोंछ दो, फर्श को कहते हैं फ्लोर एंड पोंछना मींस क्लीन, क्लीन द फ्लोर, या फिर पोंछने को हम वाइप भी कहते हैं, वाइप द फ्लोर भी आप बोल सकते हैं। फिर मिलेंगे, सी यू सून, फिर मिलेंगे की जगह अगर आप किसी से भी पार्ट हो रहे हैं तो आप कह सकते हैं सी यू सून। कभी नहीं, नॉट एट ऑल। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे साथ आओ, कम विद मी। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ टुडे सेशन। हियर वी हैव सीन सो मेनी 100 इजी सेंटेंसेस दैट यू कैन यूज इन योर डेली कॉन्वर्सेशन एंड गेन कॉन्फिडेंस इन इंग्लिश। बहुत जल्दी हम आपके साथ फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक इन सेंटेंसेस को पढ़ते रहिए और अपनी बातचीत में इन्हें यूज करके इंग्लिश में कॉन्फिडेंस गेन करते रहिए। विद दिस दिस इज रुचिका साइनिंग ऑफ। टिल वी मीट नेक्स्ट विद द नेक्स्ट सेशन ऑफ लेट्स स्पीक इंग्लिश। टेक केयर एंड गुड बाय।